हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो अपडेट है वो शायद बस अब कुछ दिनों तक ये बातें चलेंगी, उसके बाद जो आज के अपडेट के बेसिस पे सारी चीजें कंफर्म होने वाली है। तो आज का जो अपडेट है, आज मैं उसके बारे में बात करूँ आपसे। तो आज साक्षात, आप जानते होंगे हमारे एचआरडी मिनिस्टर, राइट, साक्षात आए थे ट्विटर पे और उन्होंने ये बोला, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने ट्वीट ये किया कि जो अभी की जो सरकमस्टांसेस हैं और जो स्टूडेंट और पेरेंट्स के जो रिक्वेस्ट आ रहे थे उनको, बहुत सारे आपने देखा होगा, राइट, आप लोग भी कितना ट्वीट कर रहे थे। तो लोग बोलते हैं ना, ट्वीट करने का क्या असर होता है? एक्चुअल में बहुत असर होता है ट्वीट करने का, राइट ना। तो आप लोगों ने जो ट्वीट किया उसके बेसिस पे आज वो आए और उन्होंने बोला कि देखो, जैसा कि स्टूडेंट और पेरेंट्स के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे रिगार्डिंग द नीट एंड जेई एग्जामिनेशन, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने जो एनटीए के जो महानिदेशक हैं उसके उनके उनके साथ एक कमेटी बने और उन्होंने बोला कि आप जो प्रेजेंट डे का सिनेरियो है उसके बेसिस पे जो सिचुएशन है, ओके, और साथ ही साथ सिर्फ एनटीए डीजी एनटीए नहीं, उनके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट को भी उन्होंने बोला है कि आप लोग क्या करें, आप लोग इस सिचुएशन जो चल रही है इसको आप एक बार रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद जितना भी आप सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, एग्जाम लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, ऐसी सारी चीजें रिव्यू करें और अपना रिकमेंडेशन जो है कल वो अपडेट कर दें। अब देखो, उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था, राइट, ध्यान से समझना, उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, ओके, बस वो क्लियरली नहीं बोले। तो कल तक आपको जब एनटीए जब एचआरडी मिनिस्ट्री को ऐसा बताएगी कि यस देखो अभी एग्जाम नहीं ले सकते, तो 100% जो है वो पोस्टपोन होने वाला है, तो ये श्योर हो गया। जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला कि 100% श्योर है, ये कंफर्म है। आज की न्यूज से ही तुम खुश हो सकते हो, आज की न्यूज से ही आप खुश हो सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज की न्यूज से आप खुश हो जाओ, एकदम एंजॉय करो, क्योंकि 100% जो है आपका अब नीट और जेई जो है वो पोस्टपोन होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपसे और बात करना चाहूंगा। देखो, आज की बात करूं मैं तो एक तमिलनाडु का EMACET, वहां का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है तमिलनाडु में, वो भी कैंसिल हो चुका है, आपको ये भी पता होना चाहिए, राइट, तो वहां का भी कैंसिल हो गया ये। तो ये और कुछ बातें मैं करूं आपसे, जैसे पेरेंट एसोसिएशन के बारे में, तो पेरेंट एसोसिएशन का मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि पेरेंट एसोसिएशन ने जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको उन्होंने लेटर दिया था और उसमें बताया था कि जो 6 पॉइंट्स है, 6 एसेंशियल पॉइंट वो डिस्कस किए थे कि यार देखो इस सिचुएशन में कैसे एग्जाम हो सकता है। अब देखो, आप ही बहुत सारे बच्चे, आप देखो बच्चे तो सबके लिए प्यारे होते हैं, मगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते थे क्या सर 100% श्योर है, क्या 100% श्योर है, मैं अपने कमेंट में लिख भी देता था। अब उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। एक बात सुनो, मान लो आपका डेटा बीच में ही चला गया, और एक बात बताओ, आपको डेटा लाके कौन देगा, है ना। मान लो आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, कोई गांव में उसका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, तो कैसे एग्जाम दोगे आप, राइट। ये बहुत सारे सिचुएशंस है, राइट ना। आप देखो, ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन स्टडी से रिलेटेड, ऑनलाइन एग्जाम से ये एक दो पॉइंट बताए, मानता हूं मैं ये बहुत ज्यादा मैच नहीं खाते होंगे, मगर ऑनलाइन एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। और ऑनलाइन एग्जाम जो बोल रहे हैं, देखो ये तो साइड में छोड़ दो, गांव का ये इधर उधर का सेंटर छोड़ दो, राइट, मैं आपसे एक चीज बात करना चाह रहा हूँ, जाओगे ऑनलाइन एग्जाम देने तो आप जाओगे कहां, सेंटर पे ही तो जाओगे, तो वहां पे तो और पॉसिबिलिटी होगी कोरोना के स्प्रेड होने की। और जैसे जैसे आप ग्राफ देख रहे हैं कोरोना का, वो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं हो रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो 100% की पॉसिबिलिटी आपकी बन चुकी है कि आप जो है अब 100% नीट जो है और जेई पोस्टपोन हो चुका है, ओके. इसी के साथ साथ मैं आपको राजस्थान का अपडेट भी दे दूं कि राजस्थान में 17 साल की एक लड़की थी कोटा में, उसको भी क्या हो गया, वो जो है कोरोना पॉजिटिव हो गई, तो वहां पे जितने भी लोग थे वो लोग जो है वहां से दूर भाग गए, राइट ना। अब एग्जाम पूरा प्रॉब्लम हो गया, मतलब पूरा प्रॉब्लम ही क्रिएट हो गया, अब बताओ कौन एग्जाम देने आएगा। सिंपल सी बात है, जान है तो जहान है। तो सबसे पहले मैं आज शुक्रिया करना चाहूंगा एचआरडी मिनिस्ट्री का, राइट, देर से आए मगर दुरुस्त आए। अच्छा, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली कि कोई ठोस कदम उठाएंगे, अपने जो उन्होंने जो उनके वीडियो था आप उसको सुनेंगे तो उसमें बोला कि ठोस कदम उठाने हैं। हाँ, तो ठोस कदम मतलब क्या, पोस्टपोन होने वाला है। इसी के साथ साथ जो अवेलेबल सून का अपडेट आ रहा था एनटी की वेबसाइट पे, वो भी अब ये इंडिकेट कर रहा है, यस, बहुत से लोगों ने कल मेरे से फोन पे बात की, पूछा भी मेरे से, राइट, कि सर वो क्या है, तो मैंने बोला मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी वो जो है एडमिट कार्ड का बोल सकते हैं नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन आता है वो बीच में आता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये भी बोला कि देखो यार मुझे क्लियर पता इसके बारे में नहीं है, राइट, मगर जहां तक मेरा एजम्पशन था। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई, मैंने आपको सारा डिटेल इसके बारे में दे दिया है, राइट। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक काम करना है, वो है पढ़ाई।
एक दो दिन का रेस्ट ले लो, पता चलता है खबर आती है, एक दो दिन का रेस्ट ले लो, फिर आप कंटिन्यू पढ़ते रहो। ओके अच्छा, आज मैं अपने चैनल में ये जरूर बोलूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों बोलूंगा? क्योंकि अब जो है वो बायोलॉजी अपन मैं लाइव आने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, मतलब एक दो तीन चार दिन में लाइव आने वाला हूँ, और उसमें जो है अभ्यास है जिससे तुम बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए सुन सुन के, उसके जो MCQs है वो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ लाइव आके। तो अगर मेरे जो जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको पसंद आते हैं और आप मेरी बायोलॉजी को वीडियो देखो, मेरे पढ़ाने के तरीके आपको पसंद है, तो जरूर आज तो मैं बोलूंगा आपसे कि मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बस इतना ही बताना था, बाकी आप अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। मैं एक दो वीडियो का लिंक्स दे रहा हूं अपने डिस्क्रिप्शन पे, बायोलॉजी की वीडियो है वो जरूर देखें, राइट। और साथ ही साथ में मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं, वो भी डिस्क्रिप्शन पे, किसी को भी पर्सनली कॉन्टेक्ट करना हो मेरे से कर सकता है, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ओके थैंक यू, धन्यवाद।